तबाही की बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। और साथ साथ एक और बड़ी खबर, कीव में हवाई हमले का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं। कीव में लोगों को बंकरों में छिपने के लिए कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कीव से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कीव पर लगातार घात लगाए हुए है रूस, क्योंकि कीव पर ही कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ऐसे में वहां पर बंकरों में छिपने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं लोगों को, और सायरन बज रहे हैं। हवाई हमले का रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी वहां पर रूस अटैक कर सकता है। और इससे पहले हमने खबरें भी आपको बताई थी, किस तरीके से कीव की घेराबंदी भी, किलेबंदी भी अब कर दी गई है रूस की ओर से। तमाम सैनिक उसके कीव की ओर आ गए हैं, और तस्वीरें आप देखिए, ये खौफनाक तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें, भयानक तस्वीरें इस वक्त कीव से लगातार सामने आ रही है। धुएं का गुबार किस तरीके से वहां पर उठ रहा है, सुबह सुबह की ऐसी तस्वीरें जो कि दिल दहला सकती हैं किसी का भी। और लोगों को बंकरों में छिपने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि कभी भी यहां पर रूस की ओर से मिसाइल अटैक्स और हवाई अटैक्स हो सकते हैं। तो ऐसे में खुद को महफूज रख सके वहां पर बंकर भी बनाए गए हैं, ताकि लोग खुद को वहां पर छिपा सकें और अपने परिजनों को वहां पर छिपा सकें। तो ऐसे में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भीषण तस्वीरें, और पूरी तरीके से कीव की बुरी तरीके से घेराबंदी भी कर ली गई है, ताकि कोई भी कीव से अंदर बाहर ना जा सके। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। रूस की फौज ने शहर के रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले लिया, और सूरज के उगने से लेकर दिन छिपने तक ना जाने कितनी जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें रूस के टैंक सड़कों पर तैनात दिखे, जिनके जरिए मारियोपोल में मौजूद रिहायशी इमारतों पर गोलों की बरसात की गई। ऐसा सिर्फ एक दो जगहों पर नहीं, कई इलाकों में हुआ। शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ या तो जलती इमारतें देखी गईं, या फिर आग की लपटों की वजह से उठ रहा धुआं। इन हालात में यूक्रेन के सैनिकों ने इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन जिन लोगों ने इन हमलों में अपनों को खोया, उनका दर्द फूट फूट कर बाहर आया। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, और इन हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव के सैनिक अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में यूक्रेन के घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। जेलेंस्की ने देश के लिए लड़ रहे सैनिकों के हौसले को बढ़ाया, उनके जल्द ठीक होने की कामना की। सैनिकों से मुलाकात का ये वीडियो यूक्रेन की सेना द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद यहां अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। और साथ साथ उन्होंने वहां पर मौजूद डॉक्टरों के साथ भी मुलाकात की, और एक घायल सैनिक जो युद्ध लगातार लड़ रहे हैं रूस के खिलाफ। और अभी अभी बेलारूस के पास गोमेल इलाके में रूस की सेना का एक बड़ा काफिला देखा गया, और इस काफिले में रूसी सेना विक्ट्री साइन वाले सैन्य उपकरण का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि बेलारूस के पास के ही शहर में रूसी सेना ने जो सफलता हासिल की है, ये तस्वीर उसी इलाके की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना लंबा और चौड़ा ये काफिला है, रूसी सेना का एक काफिला है, और लगातार ये आगे बढ़ता हुआ। और इसमें ये कहा जा रहा है कि विक्ट्री साइन इन तमाम बख्तरबंद गाड़ियों में लगा हुआ है। और साथ साथ रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच हंगरी के शरणार्थी कैंपों में पिछले 3 हफ्तों से रह रहे यूक्रेन के कई लोगों ने अपने देश लौटना शुरू कर दिया है, जिसके लिए हंगरी के जाहू रेलवे स्टेशन में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग ट्रेन की पटरियां पार करते हुए नजर आए। यही नहीं, स्टेशन के अंदर भी भारी भीड़ यूक्रेन जाने वाली ट्रेन का इंतजार करती दिखी। घर वापसी करने वालों में ज्यादातर उम्रदराज लोग थे, हालांकि उनके साथ कुछ बच्चे भी वापस यूक्रेन लौटने की तैयारी में दिखे। दावा किया गया कि हंगरी में सुरक्षित होने के बावजूद कई लोग अपने वतन लौटना चाहते हैं, ताकि वहां सेना की मदद कर सकें। यूक्रेन में युद्ध के बाद लाखों लोगों का पलायन हो चुका है, जिसमें लगभग 2,35,000 लोगों ने हंगरी में ही शरण ली। इस बीच रूसी सैनिकों से लोहा लेने वाले एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने घर में घुसे 4 रूसी फौजियों को बिना हथियार के डटकर मुकाबला किया और उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। इस बहादुरी की तस्वीर के वायरल होते ही दंपति काफी चर्चा में आ गए, क्योंकि उसमें वो रूसी सैनिकों से भिड़ते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जब बिना हथियार के वो लोग रूसी फौजियों की ओर बढ़े, तो उन्हें डराने के लिए रूसी सेना के एक जवान ने हवा में फायरिंग कर दी, लेकिन इससे उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। वो लोग धक्का देकर उन सैनिकों को अपने घर से निकालने पर तुल गए। इससे पहले मिकोलाइव के उस इलाके में कब्जे के बाद 3 रूसी सैनिक बुजुर्ग के मकान के गेट पर पहुंचे और उसे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए।
इसके बाद उन्होंने वहां तलाशी ली, लेकिन इसी दौरान वो बुजुर्ग और उनकी पत्नी घर से बाहर निकले और सैनिकों को वहां से चले जाने को कहा। और दिल्ली दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात सुबह 10:30 बजे होगी और इससे पहले योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 12 बजे योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, जबकि दोपहर 1:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के एक अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस ने चीन से मदद मांगी है और रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस ने चीन से सैन्य उपकरण की मांग की है, क्योंकि लगातार यूक्रेन की मदद भी कई सारे देश कर रहे हैं और ऐसे में रूस खुद को अकेला खड़ा पा रहा है। जंग के 18वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्कीव के बाद चर्निव शहर पर कई मिसाइलें दागी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ। जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमें लोगों की मदद में जुट गईं। चर्निव शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने लपटों पर पानी की बौछार की, मगर आग लगातार फैलती चली गई, जिसके बाद इमारत में फंसे लोगों और घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत राहत के काम में लगे कुछ लोग एक बड़ी सीढ़ी की मदद से इमारत के अंदर दाखिल हुए, तब जाकर कुछ लोगों को निकाला जा सका। रूस का ये मिसाइल हमला इतना घातक था कि आसपास की कई और इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। इन इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और यूक्रेन से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर रूस की सेना एक सुपरमार्केट से खाने पीने का सामान लूटती हुई नजर आई। रूसी सेना की लूटपाट की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां रूसी सेना एक बख्तरबंद गाड़ी में सुपरमार्केट पहुंची। बख्तरबंद गाड़ी के पीछे जेड लिखा है। जेड अक्षर को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सेना के समर्थन के प्रतीक को के तौर पर देखा जाता है। तस्वीर में रूसी सेना के दो जवान सुपरमार्केट में सामान लेते हुए दिखाई दिए, वहीं एक जवान कैसे कैश काउंटर पर रुपए लूटता हुआ भी दिखाई दिया, और उसके बाद ये जवान खाने पीने का सामान बख्तरबंद गाड़ी में ले जाता हुआ भी दिखा। सीसीटीवी में वहां पर लगी सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं और किस तरीके से कैश काउंटर पर लूटपाट यहां पर रूसी सैनिकों ने मचाई है। उधर यूक्रेन के चर्निव में एक मकान के अंदर बड़ा बम निकाला गया, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि अगर वो फट जाता तो कई लोगों की जान चली जाती और पूरा इलाका मलबे में ढेर में बदल जाता। यूक्रेन की सेना की तरफ से मकान के अंदर बम निकलने का ये वीडियो देखे किस तरह से सामने आया, जिसमें क्रेन की मदद से घर की टूटी दीवार से कई 100 किलो का वजन दार एक बम निकाला गया और बड़ी सावधानी से उसे एक ट्रक में रखा गया, जिस पर से